हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम एक और स्पेशल अचार आपके लिए लेके आए हैं। आम का है, बहुत बारीक कटा हुआ है, बट उसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च, अदरक ये सब जाएगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये मैंने कच्चे आम लिए हैं 1 किलो। ये लिया है 50 ग्राम मैंने हरी मिर्च, जिनको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इसका भी छिलका निकाल लिया है। 50 ग्राम अदरक लिया है, 50 ग्राम ये लहसुन की कलियां ली हैं, जिनको हमने धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। और ये हमने लिया है, देखिए आम, इसको हमें कैसे छीलना है, बहुत आसानी से ये छिल जाता है, आपको सबको पता है, बट फिर भी मैं एक आपको कट करके बता देती हूँ। और आम इसमें पीला नहीं होना चाहिए, सफेद आम होना चाहिए। और रामकेला आम हम जो है अचार के लिए यूज करते हैं, तो आप जो भी आपके पास अचार वाला आम मिले उसको लेके आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो पहले हम इसको पूरी तरह से छील लेंगे, बस इस तरह से हमें इसे छीलना है। और 1 किलो आप शुरू में डालेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं लगता है। ऐसे हमने ऐसे ये आम को चारों तरफ से छील लिया है, ये अभी बाकी है तो इसको हम बाद में छील लेंगे, ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो। और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसके हमको ऐसे बारीक बारीक पीस करने हैं, जैसे प्याज काटते हैं ना आप, छौंक के लिए प्याज काटते हैं, तो उतने बारीक आप इसके पीस ऐसे छोटे छोटे करेंगे, ठीक है। जहां थोड़ा सा मोटा है वहां आप इस तरीके से करके इसको ऐसे पीस करते हैं, तो ये आसानी से हो जाता है। पूरा कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें बिल्कुल भी चाकू में या जिस बर्तन में आप काट रहे हैं उसमें कहीं भी पानी या नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे ही इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे, जैसे इस तरह से करके, और फिर हम इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लेंगे। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से चाकू पे देख रहे हैं, जैसे हम सब्जी में छौंक में डालते हैं उस तरह से हम इसको बारीक काट लेंगे। बारीक हम अदरक को काट लेंगे, बारीक ही हम हरी मिर्च को काट लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने अदरक को, हरी मिर्च को और लहसुन को ऐसे काट लिया है अच्छे से। थोड़ा टाइम लगता है बट ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसी तरह से मैंने ये आम को भी काट लिया है, ये येलो लाइट होने के कारण येलो लग रहा है, अदरवाइज आम जो है वो बिल्कुल कच्चे हैं। देखिए खाने में, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये जो कटा हुआ आम है इसमें हम 3 टेबलस्पून नमक मिलाकर इसको रात भर के लिए रख देंगे और सुबह पानी अलग कर देंगे, आम अलग कर देंगे। अब हमने 12 घंटे के बाद इस आम को अलग निकाल कर सुखा लिया है, पानी को अलग ले लिया है। कैसे उसको यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है वो हमें अलग रखना है, उसमें हमें नमक मिलाकर नहीं रखना, उसको ऐसे ही काट कर सुखाना है। तो ये बहुत अच्छा अचार बनने वाला है। तो इस तरह से हमने एक कपड़े पर सुखा दिया है, साफ कपड़ा होना चाहिए, और इसकी सूखने की इंतजार करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सब अच्छे से सूख गया है, ये हरी मिर्च देखिए अच्छे सूख गई हैं, अदरक सूख गया है, लहसुन सूख गया है। तो ये अब हमारा अचार डालने के लिए तैयार है। ये ली है मैंने 4 तरह की दालें, चना दाल है, मूंग दाल है, और उड़द दाल है धुली हुई, सॉरी तिल है, और ये उड़द दाल है। इनको सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़ी देर के लिए करना है। सबसे पहले तिल कर लें, बिल्कुल जल्दी जल जाते हैं, बहुत ही हल्के से, बस सोचिए गरम करना है जरा सा। तो इनको अब करते हैं ग्राइंड। और ये देखिए हमने इनको सबको पीस लिया है, हल्का दरदरा पीसा है, देख सकते हैं आप। यहाँ हमने सरसों का 1 कप तेल अच्छे से गर्म कर लिया था। अब उसके बाद हम डाल रहे हैं उसमें ये हींग, गैस को बंद कर दिया है, कड़ी पत्ता, राई, अब गैस को धीमा कर देंगे, हम गैस को जला देंगे, राई डाल दी है इसमें, अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, गैस को हमने अब ऑन करके धीमा कर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली,
इसको मिक्स करेंगे और जो हमने सूखे जैसे तिल और दाल को पीसा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे हल्का सा, ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी रेड चिली और डाल देंगे कलर के लिए और देखिए ये इस तरह से भुन गया है। एक ही मिनट के लिए हमें तो इसको भूनना है, गैस को ऑफ कर देंगे और ये अपने आप गर्म उसमें भुनता रहेगा, आप लगातार इसको चलाते रहिए। अब हमने यहाँ इस पैन में ना 1/4 कप वाटर लिया है, पानी लिया है और ये व्हाइट विनेगर लिया है 1 कप। ये आप देख सकते हैं व्हाइट विनेगर हमने 1 कप डाल दिया है इसमें और जो अचार का ये पानी निकला था ना नमक वाला वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये पानी निकला था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इसको उबलने देते हैं। उबलने के बाद हम इसमें आम, हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अब देखिए ये पक गया है और थोड़ा सा ये सूख गया है। अब हम इसमें जो मसाले हैं इसके अंदर पहले नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। एक, मैं पहले ये 4 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब जो ये हमने उबाला था ना अलग से कटा आम, हरी मिर्च, लहसुन, इसको हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट हम इसको सुखा लेंगे भूनते हुए। अब ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है, कितना खूबसूरत ये अचार बनकर तैयार है। देखिए बहुत खाने में टेस्टी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं 5 kg के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी तो आपको अलग से ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और तेल कम लगे तो आप ऊपर से और तेल डाल सकते हैं। तो ये ठंडा होगा फिर हम इसको जार में भरकर रख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज बनाकर लाती हूँ, आप देखिए, लाइक कीजिए। Thank you so much.